राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और जोधपुर की असिस्टेंट कलेक्टर ACM प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले की रिपोर्ट शुक्रवार को सौंप दी गई है। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर कलेक्टर का कहना है कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। दरअसल 13 दिन चले इलाज के बाद बुधवार देर रात अहमदाबाद के हॉस्पिटल में प्रियंका बिश्नोई का निधन हो गया था। 5 सितंबर को जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल में बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ गई थी। परिवार वाले उन्हें सिम्स अहमदाबाद ले गए थे। परिवार ने वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। इधर गुरुवार को जब उनका पार्थिव शरीर जोधपुर पहुंचा तो समाज और परिजन हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग पर अड़ गए। समाज के लोगों का कहना था कि कमेटी बनने के बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं आई। करीब 4.5 घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद वे माने और गुरुवार शाम को ही फलोदी के सुरपुरा गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया था। कलेक्ट परिसर में प्रियंका बिश्नोई को दी प्रशासन द्वारा श्रद्धांजलि। आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्ट्रेट के अधिकारीगण कर्मचारीगण की ओर से स्वर्गीय श्रीमती प्रियंका बिश्नोई जी को श्रद्धांजलि सभा प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट के संभाग स्तर के अधिकारीगण के द्वारा जोधपुर कमिश्नरेट में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया है। इस बार शातिर ठगों ने रिटायर्ड महिला डॉक्टर को निशाना बनाया और 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 87 लाख की ठगी कर ली। महिला डॉक्टर को जब अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तब वह थाने पहुंची और मामला दर्ज करवाया। बता दें कि अगस्त माह में IIT की प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट किया गया था। इसके बाद इसी माह पावटा निवासी बेंगलुरु में IIT की जॉब कर रहे युवक के साथ डिजिटल अरेस्ट कर ऑनलाइन लोन लेकर ठगी की। अब डॉक्टर ACN मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अरुणा सोलंकी के साथ यह घटना हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बार बार अनर्गल टिप्पणियों के विरोध में कांग्रेस ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी दक्षिण के जिलाध्यक्ष सलीम खान और उत्तर जिलाध्यक्ष नरेश जोशी ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर व दक्षिण द्वारा संयुक्त रूप से धरना देकर विरोध जताया गया। प्रधानमंत्री जी, आप ये ना सोचें कि देश का कांग्रेसी इतना कमजोर है कि वो अपने नेता के साथ खड़ा नहीं हो सकता। ये तो एक शुरुआत है, सांकेतिक धरना है। इस तरीके के धरने प्रदर्शन और अलग अलग तरीके के विरोध आपको पूरे देश में देखने को मिलेंगे। हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप अभी भी अपने मंत्रियों को, अपने नेताओं को, अपने सांसदों को शुचिता की राजनीति करने के लिए कहें और अपनी भाषा पर कंट्रोल करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय पंचकर्म एक्सीलेंसी सेंटर नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म एक्सीलेंसी सेंटर का शहर विधायक अतुल भंसाली ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के आयुष चिकित्सा पद्धतियों में शोध कार्यों शैक्षणिक क्रियाकलापों तथा रोगियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय के चिकित्सालय एवं पंचकर्म सेंटर में जोधपुर वासियों तथा संपूर्ण प्रदेश के रोगियों को चिकित्सा लाभ लेना चाहिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय में राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना प्रथम एक दिवसीय शिविर सत्र 2024-25 का शुभारंभ आज शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ में किया गया। इस दौरान स्वयं सेवकों को NSS के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें उनके कर्तव्य निर्वहन के विषय में अवगत करवाया गया। कार्यक्रम अधिकारी लक्ष्मी नारायण सोनी के निर्देश एवं नेतृत्व में सभी स्वयं सेवकों द्वारा विद्यालय के सामने स्थित विद्यालय ग्राउंड एवं विद्यालय प्रांगण की साफ सफाई की गई। सभी स्वयंसेवकों को अल्पाहार करवाया गया एवं महिला और बाल विकास अधिकारी विशना राम चौधरी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र एवं महिला और बाल विकास के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बालेसर द्वारा आयोजित 68वीं जिला स्तरीय 17 एवं 19 आयु वर्ग छात्रा की जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर के मुख्य आतिथ्य एवं बालेसर उपखंड अधिकारी रामजी भाई कलवी की अध्यक्षता में रामावी बालेसर में समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ, जिसमें 17 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग में सेंट्रल अकेडमी बनार की टीम विजेता रही, वही डीपीएस जोधपुर की टीम उपविजेता रही। शुक्रवार को संपन्न हुई 68वीं जिला स्तरीय एवं बास्केटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह का शुभारंभ शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर, बालेसर उपखंड अधिकारी रामजी भाई कलबी, उपजिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा भूपेंद्र सिंह सोढ़ा, सीबीईओ गायर सिंह राठौर, पूर्व प्रधान भवेंद्र सिंह इंदा, बाबू सिंह इंदा, कैप्टन अमर सिंह इंदा, पीईओ मंजू चौहान, बालेसर पीईओ विनोद कुमार शर्मा द्वारा द्वीप प्रज्वलन कर किया गया। जोधपुर के रजा कॉलोनी के निवासियों द्वारा वार्ड की सफाई नहीं करने पर वार्ड पार्षद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साल में आज तक ना तो कचरा सफाई हुआ है, ना कोई नहर की सफाई हुई है और ना कोई स्थायी कर्मचारी है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।